अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शालू चीज़ शालू चीज़ की दुनिया में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आई होप से आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर आई हूँ मैं अलकनंदा मार्केट। ये इतने सुंदर सुंदर मतलब ये फिल्टर पानी वाले जग हैं, मयूर जग जिनको बोलते हैं मयूर जग, और ये कांच के बहुत सुंदर है। और यहाँ पर ये देखो, ये वाला सेट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ये बाउल, सूप बाउल बहुत अच्छे हैं। यहाँ के प्राइस बहुत रीज़नेबल हैं। कहते हैं अलकनंदा मार्केट में महंगा है, बट मुझे कुछ भी नहीं लगता कि यहाँ पर महंगा है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। और मैं लोकल मार्केट से भी, जो वैसी मार्केट होती है वहाँ से भी शॉपिंग करती हूँ। मुझे प्राइस में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क लगता है, बाकी कोई और फ़र्क नहीं लगता। ये तो राजा महाराजाओं वाले बर्तन लग रहे थे मुझे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मुझे क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी क्रॉकरी लगती है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं क्रॉकरी घर लेकर जाती रहूं, बट अभी बहुत सारे इनमें से मैं एक लूँगी। अब ये समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं कौन सा लूँ। और यहाँ पर ये देखो, ग्लास की इतनी सारी वैरायटी थी, बहुत सुंदर लाइटिंग भी, मतलब सारे आपको ना डेकोरेटिव पीस भी मिल जाएंगे इसमें। बर्तन तो है ही, क्रॉकरी तो है ही है, इसमें डेकोरेटिव पीस भी हैं। मतलब आप इनको ना, ये देखो यहाँ पर ये जितने भी दिए कैंडल हैं, जगवार है, मतलब डेकोरेटिव पीस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ से, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, और सब में से मन कर रहा था कि एक एक चीज़ उठा कर ले जाऊँ, पर मजबूरी है कि मैं नहीं ला सकती, क्योंकि रेंट के घर में ना हम इतनी चीज़ें नहीं रख सकते। और ये फाउंटेन तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको अपनी डाइनिंग पर या किसी कॉर्नर टेबल पर रखना चाहो तो बहुत आराम से रख सकते हो। और यहाँ पर ये मग की इतनी सारी वैरायटी थी, कप ग्लास, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी, बहुत सुंदर सुंदर। और अभी तो ये मार्केट और भी ज़्यादा इन्हेंस होगी, दिवाली तक तो इसमें बहुत भर जाएगा। और ये देखो पीतल के कुकर, मैंने फर्स्ट टाइम देखे था पीतल के कुकर, छोटे बड़े कुकर थे पीतल के। और अगर मतलब आजकल तांबा और पीतल बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और ख़रीद सकते हो यहाँ से। बाकी ये वही सब जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हो चीज़ें। और फिर ये सारा आ गया सामान करवा चौथ वाली लेडी के लिए, मतलब हमारे जैसी लेडी के लिए। यहाँ पर चूड़ियाँ और नेक पीस, और ये वाली शॉप पर तो इतनी चूड़ियाँ थी ना, इतनी चूड़ियाँ कि मैं सोच रही थी कि ये भंडार चूड़ियों का क्या सदर बाजार से घेर पर आकर रख गए क्या। मतलब इतनी चूड़ियाँ थी यहाँ पर, बैंगल्स की अलग अलग वेराइटी, पाकिस्तानी बैंगल्स और पता नहीं कौन कौन सी बैंगल्स थी यहाँ पर। और आप देख सकते हो अभी तो इन्होंने, भैया ने बोला कि अभी तो करवा चौथ तक तो और ज़्यादा आ जाएंगी, तो मैं जब देख रही थी तो अभी इतनी है, तो आगे और भरेंगे ये। आप आकर यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और ये देखो बैंगल्स की बहुत सारी शॉप थी, बट इस वाले शॉप पर कुछ ज़्यादा ही सामान था, बहुत सारा सामान था इस वाले शॉप पर। नेक पीस, ईयर रिंग्स, स्लीपर्स, और इनमें से एक जूती मुझे पसंद आई है। और ये रही करवा चौथ के, करवा जो मटका होता है ना, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, बट क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये फेस्टिवल, जब लेडी तैयार होती है और उनको मतलब एक अलग ही मोमेंट होती है कि रोज़ के लड़ाई झगड़े हों लेकिन उसके बाद भी हस्बैंड वाइफ की एक नई शुरुआत होती है, हर साल एक नई शुरुआत होती है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो नई शुरुआत होती है ना, उसमें फिर नए सिरे से ही जीना चाहिए, जो पिछली पुरानी बात होती है सारी भूल कर नए सिरे से जीना चाहिए। और ये देखो यहाँ पर थालियाँ हैं, डेकोरेटिव थालियाँ भी मिल रही थी, डेकोरेटिव वो करवे होते ना मटके टाइप में, वो भी मिल रहे थे। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आप लोगों को पसंद आएंगी। ये क्या है, ये 50 रुपये। बैठे अलकनंदा मार्केट में, और हमने आपको मार्केट दिखा दिया। जिसको भी चूड़ियाँ खरीदनी हो यहाँ पर आकर चूड़ियाँ खरीद ले, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। और यहाँ पर मार्केट की तो रौनक देखते ही बनती है। हमने इसे डेकोरेटिव पीस और चूड़ियाँ कवर की है, बाकी और कुछ भी कवर नहीं किया।
तो इसके साथ ही करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें।